नमस्ते दोस्तों, द येलो किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे येलो किचन में आलू का एकदम शानदार स्नैक्स बनने वाला है, जिसे हम कहते हैं गार्लिक पोटैटो बैंगर्स, जो बनाना बहुत ही आसान है। बड़े हो या छोटे, सबको बहुत पसंद आता है। तो चलिए शुरू करें। यहाँ मैंने गार्लिक पोटैटो बैंगर्स बनाने के लिए 4 मीडियम साइज के उबले आलू ले ली हूँ। उसे मैं अब मैशर से मैश कर दूंगी। दोस्तों, अगर आपको ये गार्लिक पोटैटो बैंगर्स की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप मेरे इस चैनल पे नए आए हैं या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बगल का बेल बटन भी दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, अभी हम एक कढ़ाई में 2 चम्मच बटर लेंगे। 2 चम्मच बटर लेने के बाद एकदम स्लो आँच रखेंगे हम और इसे अच्छी तरह से पिघला लेंगे। और इसके बाद अब मैं इसमें एकदम मतलब बारीक पिसा हुआ लहसुन का भरपूर पेस्ट डाल दूंगी। यहाँ मैंने लगभग एक बड़ा चम्मच मैंने लहसुन का पेस्ट लिया है। इसे हम अच्छी तरह से सोते कर लेंगे। देखिए, इस तरह से आँच को हमें स्लो ही रखना है। ज़्यादा तेज रखेंगे तो लहसुन जो है वो जल जाएगा, तो अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। अब मैं इसमें 4 बड़े चम्मच इसमें मैं मैदा डाल रही हूँ और इसे मैं अच्छी तरह से मिला लूँगी। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके हमें मैदे का डो जैसा रेडी कर लेना है। इसमें मैं टेस्ट के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए, ये एकदम स्मूथ डो हमारा रेडी हो जाता है, देखिए इस तरह से। और फ्लेम को हमें स्लो ही रखना है। तो हमारा मैदे का भी डो जो है रेडी हो गया है। अब हम गैस को कर देंगे बंद और इस मैदे के डो को हम डाल देंगे मसले हुए आलू में, जो हम आलू मसल कर रखे थे उसमें हम इसे डाल देंगे। अब टेस्ट के लिए इसमें मैं 1/2 चम्मच चिली फ्लेक डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा चाहिए उस हिसाब से डाल सकते हैं। 1/2 चम्मच मैं इसमें काली मिर्च पाउडर डाल रही हूँ और बारीक कटा हुआ मेरे पास हरा प्याज है वो डाल दूंगी, हरे प्याज की पत्तियाँ। और स्वाद अनुसार नमक, याद रखें कि हम मैदे में भी नमक डाले थे इसलिए हमें अंदाज के नमक डालना है। और यहाँ मैं 4 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल दे रही हूँ। इन सभी चीज़ों को अब हम स्पैचुला से अच्छी तरह से मिला लेंगे। यहाँ मैं स्पैचुला से मिला रही हूँ क्योंकि हमारा जो मैदा है वो अभी गर्म है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे हाथों से अच्छी तरह से डो बनाएंगे। तो लीजिए, लगभग ये ठंडा हो चुका है। तो चलिए, स्पैचुला को रखते हैं साइड में और हम हाथों से इसे अच्छी तरह से आटे जैसा गूँथ लेते हैं। देखिए इस तरह से। दोस्तों, ये गार्लिक पोटैटो बैंगल्स बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी लगता है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है। देखिए, हमारा ये डो जैसा गूँथ कर रेडी हो गया है। अब मैं इसे प्लेटफॉर्म पे रखूँगी या आप चकले पे भी रख सकते हैं और इसे अच्छी तरह से हमें हाथों से थपथपा के और इसका हमें रोटी जैसा थोड़ा जाड़ा बेलना है। ठीक, तो यहाँ मैंने सूखा आटा डाल दिया थोड़ा सा। यहाँ मैं आटे के जगह पे मैं कॉर्नफ्लोर डाली हूँ वो डाल देंगे और अच्छी तरह से हमें इसे ठीक बेल लेना है। देखिए इस तरह से। अब इसे मैं गोल गोल काटूँगी। यहाँ मैंने कांच का ग्लास लिया है, आपके पास जो चीज़ हो आप उसे काट सकते हैं। देखिए इस तरह से हमें इसे गोल गोल कट कर लेना है। हमें इसे बैंगल जैसा बनाना है, चूड़ियों जैसा, आप इसे रिंग भी बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ इसको नाम दिया है बैंगल्स। तो बैंगल जैसा हमें बनाना है, चूड़ियों जैसा। तो चूड़ियों जैसा बनाने के लिए अब मैंने यहाँ क्या किया है, मिक्सर के ढक्कन का ऊपर का ऐसे कवर होता है उसको मैंने यूज़ किया है, मैं बाद में आपको बताऊँगी। अब उससे मैं बीच में कट कर दे रही हूँ, देखिए इस तरह से। अब देखिए, चूड़ियों जैसा तैयार हो गया हमारा, रिंग जैसा या चूड़ियों जैसा बोल सकते हैं इसे। तो इस तरह से हमारे सारे पीस हमें कट करके ले लेने हैं। और अगर आपके पास गोल गोल कट करने की मतलब कोई साँचा ना हो, कोई तरीका ना समझ में आए, तो आप इसे हाथों से एकदम लंबा बना करके रोल जैसा लंबा बना ले पतला और उसे हम इसे राउंड में कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जैसे मैं कर रही हूँ, ये तो बहुत ही आसान है। आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि किससे हम कट करें किससे ना कट करें, हाथों से भी हम इस तरह से बना सकते हैं। तो मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया है, आपको जैसे हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं।
तो देखिए मैंने क्या किया था, मिक्सर का जो ढक्कन होता है उसके ऊपर मेरे पास ऐसे छोटा सा लगा रहता, उसी को मैंने यूज़ कर लिया था जुगाड़ रूप में। तो यहाँ तेल हमारे गर्म हो चुके हैं, अब तेल में हमें मीडियम फ्लेम पे सारे बैंगल्स को तल लेने हैं, कुरकुरा एकदम तल लेना है, देखिए इस तरह से। अब मेरे पास ये तंदूर मतलब ऐसा वो बनाने वाला पनीर टिक्का बनाने का सीख है, उससे मैं इसे चला रही हूँ। आप कलछी के डंडे वाले साइड से भी आप इसे अच्छे से निकाल सकते हैं, देखिए इस तरह से मैंने यहाँ सीख का उपयोग किया है। इसी तरह से हमें सारे बैंगल्स को तल करके रेडी कर लेना है, देखिए इस तरह से तलकर तैयार हो गया है। अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। आप इसे मेयोनीज के साथ या हरी चटनी के साथ या सॉस के साथ इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगता है, तो आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बच्चों को तो बहुत ही पसंद आता है, और चाय के शाम के चाय के समय अगर ये मिल जाए तो क्या बात है। ज़रा देख लेते हैं कैसा बना है, तो तोड़ के दिखाती हूँ मैं आपको, बहुत ही क्रिस्पी बना है, देखिए अंदर से भी एकदम क्रिस्पी हो गया है, बहुत अच्छा बना है। तो दोस्तों आप भी गार्लिक पोटैटो बैंगल्स घर में बनाइए, खाइए, खिलाइए और शाम की चाय के साथ या बरसात में इसका मज़ा लीजिए।